तो हरे वाह। मम्मी बताओ ना। हाँ ये आपकी आपका बर्थडे कब है? आएगी लड़ी। तो फाइनली जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग पूजा की जिंदगी। तो कैसे हो आप सब? तो आज है बहुत धूप, ये देखिए कितना धूप है, इतना धूप है कि हम ही सूख जाए, इंसान ही सूख जाए। और मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, ये मेरा भाई पतंग उड़ा रहा है, ये कल जाने वाला है तो आज लास्ट पतंग उड़ा रहा है। वहाँ पे उसे पतंग उड़ाने को नहीं मिलता है क्योंकि काम करता रहता है, तो इस वजह से मैं सुबह से सारा काम कर रही हूँ और ये नारियल खा रही हूँ, इसलिए वो यहाँ पे पतंग उड़ाने आए हैं। जब भी आता है बोलता है मैं पतंग उड़ाऊँगा, उसको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है ना? वो तो है, फेवरेट है। है बस थोड़ा 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 पसंद है, मुझे बताया कितना पसंद है। तो सारा काम हो चुका है हमारा, खाना बन चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, लास्ट सा कपड़ा धुलना वो भी धोली। अभी थोड़ा धूप लेऊंगी, मतलब धूप में बैठूंगी क्योंकि ठंड का मौसम है तो धूप अच्छा लगता है इस वजह से। और खाना भी खाना है, इसका वेट कर रही हूँ खाना खाने के लिए, कब से बोल रही हूँ, लेकिन ये पतंग उड़ाने में लगा हुआ है। सोच रही हूँ वो खाए तो मैं भी खाऊँ, इसलिए ये देखिए पीछे का सीन देखे, ये देखो उधर देखो, दादी जी दिखाऊँ कहाँ है, वहाँ पे दादी जी बैठी हुई है, ये हमेशा वहीं बैठी रहती है, तो वहाँ पे मेरे को दिखा लिया पतंग उड़ाना, दोनों ही। हे फ्रेंड, मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ, इस बार संक्रांत में पतंग उड़ाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है सैटरडे और मेरा भाई जा रहा है क्योंकि वो मुझे छोड़ने आया था, तो अब वापस जा रहा है। भैया जयपुर ले चलो, तो नहीं पहुँचा जा। मैं बोली थी, मम्मी बोली बहुत काम है। कई काम है ये? अमित बोला आएगी गाड़ी। तो फाइनली जा रहा है, बाय। ब्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं मैं जा रहा हूँ, जाओ भाई। फ्रेंड्स देखो कितने सारे मोर है हमारे छत पे, ये देखो, लेकिन किसी के पंख नहीं दिख रहे, ये देखो मोर ही मोर है। ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड है, कितना कचरा है। हाय पे हो गया, अब क्या? ये रॉकेट ढूंढ रही है। आजा आओ, हम दोनों मस्ती कर रहे हैं, ये देखो डांस कर रहे हैं। ये बिगड़े लड़की है। आई एम नॉट अ वीड है, यू आर अ गंदी मत्ती। ये है एक हमारी, ऐसे क्या देख रही है? फ्रेंड्स आज हमारे घर में बनेगा गाजर का हलवा, मेरा फेवरेट गाजर का हलवा, इसका फेवरेट है गाजर का हलवा। गाजर छील रही है, ये देखो लेके बैठी है। ये भगवान कितना रेत है गाजर में, इतना सारा छील दी सुबह से गाजर लेके बैठी है। 1 किलो तो 300 गाड़ी में क्यों हूं, तो तुम्हें काय क्यों मुकालो थोड़ी है। कितना नापी है? 1 किलो कितना देख लियो, जा तू ले और तो ले जा, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ऐसे ये लड़की बाल धो के और बालों में तेल नहीं लगाई है, तेल ले ले, खराब चोटी है मेरी,
खराब छोटी है। अच्छे से बाल बनाओ ना मम्मा। तेल लगाओ बिट्टो। तेल लगाओ, बाल बनाओ, अच्छे से बाल बनाओ। इसकी छोटी देखो। सासू माँ उठ नहीं पा रही है। सासू माँ की उम्र हो चुकी है, उम्र हो चुकी है। मम्मी मम्मी उम्र हो गई ना आपकी है मम्मी। मम्मी उम्र हो गई ना। मम्मी आपकी उम्र कितनी है बताओ ना। आपका बर्थडे मनाऊंगी सच में, बताओ ना। मम्मी बताओ ना। हाय है आपकी, आपका बर्थडे कब है? इस बार हम अपनी सासू माँ के बर्थडे पे केक लेके आएंगे। हाँ बताओ कब है, बताओ कब है। आप गिलो में बता, मैं आधा घर में देखती हूँ। बताओगे गिलो में केक बताओ ना। एक किलो पाँच सौ ग्राम जो डेढ़ किलो कचौड़ निकल जो बोलते सासू माँ का बर्थडे पूछो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर रही हूँ गाजर का कद्दूकस, क्योंकि हमारे इस तरीके से कद्दूकस करके फिर बनता है। तो ये करते करते हो चुकी हूँ बोर, क्योंकि मुझे एक ही काम को बहुत देर तक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर मम्मी बना रही थी ये हलवा, मम्मी ने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया क्योंकि सुबह से थोड़ा काम कर रही थी तो थोड़ा थक गई थी, इसलिए फिर मम्मी ने बनाया था। और गाजर को पहले कद्दूकस करने के बाद और घी में ऐसे फ्राई किया, उसके बाद उसमें दूध डाल दिया था, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिए। उसके बाद में फिर हम ये मावा लेके आए थे, तो थोड़ा पकने के बाद हम इसमें मावा ऐड कर लिए। ये पाव मावा था, मावा नहीं स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मावा डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है, इस वजह से हम मावा डाल के हमेशा बनाते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर और पकाने के बाद फिर हमने इसमें ऐड किया चीनी। तो इन चीनी हमने यहाँ पे इस कटोरी के नाप से 3 कटोरी ली थी। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से वापस से थोड़ी देर पका लेंगे। तो देखिए ये एक तरह से मम्मी मिक्स कर रही है और मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मतलब जैसे कि मैंने बताया मैं थक गई थी तो मम्मी ही कर रही थी, लेकिन मम्मी ने फिर खुद ही बुलाया कि वीडियो बना ले, तो इसीलिए, नहीं तो मैं शायद वीडियो भी नहीं बनाती। उसके बाद में फिर ये पूरी तरह पक चुका था, तो बस इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना था। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम ये दोनों को छोटे छोटे टुकड़े में काट के फिर इसमें ऐड किया है। तो उसके बाद फिर बस इसको थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए वैसे। तो उसके बाद फिर बनने के बाद हमने सबसे पहले, हमारे जब भी घर में मीठा बनता है तो हमारे जो गुरु जी होते हैं उनको भोग लगता है, तो उनके लिए थोड़ा सा निकाल दिए, फिर लड्डू गोपाल है फिर उनके लिए निकाले। उसके बाद फिर बाकी सब खाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्वाद इसका अलग हो जाए, इसलिए टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये तैयार है हलवा खाने के लिए। तो मिलती हो फिर किसी नई वीडियो में या फिर नए ब्लॉग में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये रेडी है, मैं अब लेके खाने के लिए वेट कर रही हूँ। तो मिलती हो दूसरे वीडियो में, बाय बाय।